सुनोगे भाइयों बहनों मित्रों, आप 12 बजे रात में गहना लाद के घूमो, किसने वादा किया था? मानहानि उनपे लगनी, मानहानि का केस लगे, गृहमंत्री पद से इस्तीफा भैया तुरंत देना चाहिए। और देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। कोर्ट इन लोगों पे फैसला नहीं सुनाते तो कहेगा चुनावी रैलियां है कुछ भी बोल दो, चुनावी रैलियां है कुछ भी बोल दो। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, उनके सवालों से डर गई है। मोदी सरकार ने उनका अपमान कर दिया। कौन सा अपमान कर दिया? नीरव मोदी चोर है नहीं है? बता दो चोर नहीं है तो। ललित मोदी चोर है नहीं है? नरेंद्र मोदी चोर है? सारे मोदी उन्होंने नहीं बोला, सारे बोला था। उन्होंने सारे मोदी नहीं बोला, उन्होंने बोला था जितने चोर हैं सारे मोदी क्यों होते हैं, जितने चोर हैं सब मोदी हैं, उन्होंने ये बोला था। अब एक चीज, किसी जाति विशेष को, एक चीज बताइए हम जाति विशेष से किसी से, हम भैया जाति वालों से हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। एक चीज बताइए कि ललित मोदी चोर है नहीं, आप बता दो। कोर्ट ने बोला है, हम क्या बताए हैं? चोर है, नीरव मोदी भी चोर है, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी भी चोर है। भैया हर महीने मंत्री को चोर बता रहे हो? अरे सुनो, मर्यादा है, सम्मान है आपको। अरे हमें उस प्रधानमंत्री से मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है जो कहता हो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। हमें उस प्रधानमंत्री से माफी और उनसे सीखने की जरूरत नहीं है जो नखा कहता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो कांग्रेस की विधवा बोलता हो। हमें उससे मोदी जी से सीखने की जरूरत नहीं है, उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो बोलता हो जर्सी गाय। अब बताइए प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए नहीं माफी मांगनी चाहिए? और हम लोग मानहानि का इन पे केस ठोकेंगे, फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। कोई लिखेगा आपकी जो दलील जो आप बता रहे हो? चलो भैया हम ये भी मान गए, राहुल गांधी ने यही तो कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अभी आपने बताया हमारी कोई बात नहीं लिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। क्या यहाँ पे बलात्कार का केस नहीं लिखा जाता? बलात्कार का अगर हम केस लिखवाते हैं, कोई लिखवाता है तो 10-10 साल चलता है मुकदमा। और भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष का कोई नेता बोल देता है तुरंत मुकदमा, भैया तुरंत कार्रवाई, तुरंत सब कुछ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है, और इस तानाशाह को हम इनका मुखौटा उतार देंगे और सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम तो भैया किसी पद पे नहीं बैठे, 8 साल तो हो चुके हैं, तब अब तक तो उतार नहीं पाए, आगे कैसे प्लान करोगे? 24 में देखिए ना, 24 में देखिए, 2 सीट इनकी आने वाली है मोदी जी। दो सीट अब वो दो कौन सी होंगी ये भी बता दो। दो भैया उनकी होगी बस, एक तो नितिन गडकरी जी की और एक उनकी राजनाथ की, तीसरी कोई सीट आई नहीं, दो ही सीट में सिमट जाएंगे। और वो भी दो आने भी वाली नहीं है क्योंकि इन्होंने तानाशाही फैलाई दी। ओवर कॉन्फिडेंस दो सीट है जो मतलब हाँ दो कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने। भैया एक चीज बताइए, 24 का आधा कितना होता, मतलब 4 के पीछे 2 है ना, 24 में 4 है ना पीछे, 4 का आधा 2, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलने वाली है। ये गणित कहाँ से लाए? वो भी सुनिए पहले, ये 24 अकबर रोड है। हाँ ये 24 अकबर रोड हो या कोई लोकेशन, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम देशवासियों से, कांग्रेस से और विपक्षी नेताओं से माफी मांग लेनी चाहिए, तभी इनका होने वाला है, तभी इनका उद्धार होने वाला है। प्रधानमंत्री जी सोते नहीं है, इनको नींद की गोली लेने की आवश्यकता है। ये भैया चिड़चिड़े रहते हैं, कहते हैं इन पे मुकदमा करेंगे, इन पे ईडी बैठेंगे, इन पे सीबीआई बैठेंगे। अच्छा ये पत्रकार सच्चाई दिखाता है, इसका चैनल खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है, बता दीजिए और कौन सा काम किया है? जो डलहौजी ना कर पाए वो काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। सारा राहुल गांधी के समर्थन में आ गया, केजरीवाल भी कह रहा है। मैं क्या करूं कि देश के जितने भी विपक्ष है, जितने भी विपक्ष है, बीडीसी प्रत्याशी से लेके और सांसद और राष्ट्रपति तक, सबको राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, तभी इस देश का लोकतंत्र और संविधान बच पाएगा। नहीं तो हमारे अंदर भैया वो देखो एक चीज कि राहुल गांधी में हिम्मत है, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी हिम्मत है सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर ये जेल भरो ऐसे जेल भरते रहेंगे, किसी पे मानहानि का केस ठोकते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो उल्लास है, जो ज्वाला है, वो बुझ जाएगी। और हम चाहते हैं कि देशवासियों प्रधानमंत्री जी पे इतना मानहानि ठोक दो कि भारतीय जनता पार्टी को सजा देने के लिए कोर्ट को नतमस्तक हो जाना। अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब तो जो है 7 साल भी 2024 में लीड भी नहीं कर पाएंगे। एक एक सांप का एक पैर टूट जाने से सांप रेंगना थोड़ी बंद कर देगा। तो राहुल गांधी को आप चाह रहे हो कि दबा देंगे, तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं थी। पहले के गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे, तो आज के गांधी संघरेजों से डर रहे। लेकिन माफी नहीं है, नहीं माफी क्यों मांगे? मोदी जी ने माफी मांगी, माफी मांगी, अमित शाह ने माफी मांगी, राजनाथ ने माफी मांगी, जूते मारो सालों को उसने माफी मांगी।